ख़ाली दिमाग शैतान का घर तो आपने सुना होगा लेकिन खाली दिमाग चमत्कार का घर भी हो सकता है जी हाँ ये कहना है डॉक्टर पूनम जी का जिन्होंने इस सूखे फ्लावर से घर बैठे तैयार कर दिया मेड इन in इंडिया अगरबत्ती ऑर्गेनिक अगरबत्ती कैसे हुआ ये चमत्कार कहाँ से आ, आया ये आइडिया और गवर्नमेंट ने कैसे हेल्प की ये पूरा बिजनेस सेटअप करने में सब पे बातचीत करेंगे और इस सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इनकी ओनर डॉक्टर पूनम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तर पर सो मच मैम सबसे पहला सवाल तो ये ये आइडिया कहाँ से आया कि सूखे फ्लावर से ये बेहतरीन शानदार अगरबत्ती में तब्दील कर दू मैं कहाँ से आई आइडिया मैम तीन साल पहले मैं अकेलेपन से जूझ रही थी और मुझे कहा जाता था कि जब अकेला हो इंसान तो भगवान के घर चला जाता है और मैं बड़ी नास्तिक टाइप थी कभी जाती नहीं थी तो मैंने सोचा अकेलेपन को बांटने के लिए भगवान के पास मंदिर में जाते हैं और मैंने बड़े श्रद्धा भाव के साथ भगवान को फूल अर्पित किया जो कुछ ही सेकेंड में पंडित जी ने कूड़े के ढेर में डाल दिया जो मुझे उस टाइम पर मैं इसे इमोशन्स में थी कि मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ और ये दिमाग में बात आई कि जैसे मैंने श्रद्धा भाव से भगवान को फूल चढ़ाया है इतने ही तो रोज लाखों लोग फूल चढ़ा रहे हैं लाखों टन फूल रोज भगवान को चढ़ रहा है और कूड़े में जा रहा है क्या उस कूड़े को हम कंचन में बदल सकते हैं बस उसी मुहिम पे निकली और ये चमत्कार हो गया जी बहुत बेहतरीन बह, आइडिया आपका ये तो ये जो आ, फ्लार देख रहे हैं आप ये इस तरह से पाउडर फॉर्म में जाता है और फिर इसका मिक्सचर तैयार करती हैं है, मैम और इस तरह से ये मोल्ड होकर अगर प्रोसेस देखें आप ये मोल्ड होकर सूखता है ड्राई होता है और ये बनती है अगरबत्ती तो पूनम जी मेरा सवाल है कि ये ये जो फ्लार है ये आप कहाँ से लेके आते हैं आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का है और ये कैसे इस तब्दील पाउडर में तब्दील करते हैं आप जी हमारे गुड़गावा में हम लोग काम करते हैं और उसमें बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं वो सारा फूल हम तक भिजवा देते हैं या हम खुद भी जाकर पिक कर लेते हैं उस फूल को पहले हम जैसे आपने देख रहे हैं वो फूल वहाँ पर रखा है इस फॉर्म में हमारे पास आता है उसको फिर हम पैटल्स के रूप में ऐसे अलग अलग करके इसको सुखा लेते हैं जब ये पेटल सूख जाती हैं ये हमें 10 से 15 दिन का प्रोसेस लगता है उसके बाद हम इसमें जो है इसको ये फूलों का पाउडर रेडी कर लिया जाता है एक पल्वलाइजर मशीन होती है या आप घर में मिक्सी में भी कर सकते हैं इसके बाद इसमें जड़ी बूटियाँ ऐड की जाती हैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन रेडी किया जाता है और हैंडमेड तरीके से अगरबत्ती और धूपबत्ती बनाई जाती है नॉर्मली जो अगरबत्ती बनती है वो चारकोल से बनती है या वाइट चिप पाउडर जो होता है उससे बनती है चारकोल में कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट होता है जब हम उसे करते हैं तो वो कैंसर तो हमने, हमने फ्लावर बेस इसका बना दिया है। तो, आ, हेल्थ के भी, भी फायदेमंद है क्योंकि इसमें मिक्स हो रही है इसमें कोई कार्बन मिक्स नहीं हो रहा कोई हार्मफुल गैसेस रिलीज नहीं हो रहे और सबसे बढ़िया बात जो कि ये जनरेट कर रही एम्प्लॉयमेंट मैं इनसे अगला सवाल पे आऊँगी कि आपके यहाँ कि आप कितनों को रोज़गार दे रही हैं और आ, कितनी सैलरी पे आपने रखा हुआ है कर्मचारी आ, मेरे पास छः से सात लोगों की टीम है जिसपे हम काम कर रहे हैं और मैं 2000 से ज़्यादा महिलाओं को सिखा भी चुकी हूँ हम लोगों ने जिनको सैलरी पे रखा उनके नौ हज़ार रुपये की सैलरी पे रखा है लेकिन बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकती हैं वो घर में बैठ के ही काम करती हैं तो हम उन तक रॉ मेटीरियल पहुँचा देते हैं और वो जब बना लेते हैं तो हम उनसे पिक कर लेते हैं तो उनको घर बैठे ही हम रोज़गार प्रोवाइड कर रहे हैं और मैं इस मुहिम पर भी निकली हूँ कि हमारा देश एक धर्म का देश है हर गली में एक धार्मिक स्थल है हर धार्मिक स्थल पे फूल चढ़ाए जाते हैं और वो फूल कूड़े में जाते हैं तो अपने जैसे लाखों लोग खड़े कर दूं ताकि वो लाखों टन फूल जो कूड़े में जा रहा है वो रिसाइकल हो जाए और इससे जो हमारे आत्मनिर्भर भारत का सपना जो देखा जा रहा है उसको मैं सच करने में थोड़ा सा अपना सहयोग दे रही हूँ जी बिल्कुल आत्मनिर्भर भारत प्रधानमंत्री जी की पहल है और इस तरह से देश के तमाम महिलाएं और युवाएं इसको इसको लेकर आगे अग्रसर है आगे से तेज़ी बढ़ रहे तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं लेकिन मेरा एक और सवाल है कि आपने अगरबत्त दिखा दी और क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं आप इस फ्लार से के साथ हम लोगों ने ये धूप स्टिक्स भी बनाए हैं ये देखिए और एक ऐसी तरह की धूप बत्ती बनाई है हमने जिसमें सिर्फ जड़ी बूटियाँ डाली हैं कोई खुशबू नहीं डाली है आप इसका स्टैंड भी देखेंगे ये हवन कुंड शेप का ये भी फूलों से ही रेडी किया गया है ये कैसे रेडी किया गया फूल से? ये फूलों के साथ ही दूसरा बेस रेडी किया जाता है और उसके साथ हम ये देखो इसका बैग देखो आप फूलों से ही बना है ये बॉक्स खत्म हो जाएगा आप इसे जब थ्रो करेंगे तो ये खाद में बदल जाएगा ये चीजें हमने बनाई हैं इसी तरह हमने हवन कप्स बनाए हैं मार्केट में जो मिलता है वो चारकोल से हवन कप्स बनते हैं हमने फूलों, है, तो ले, है, फूलों से बनाए हैं फूलों से बनाया नॉर्मली बनता है चारकोल से काले रंग का होता है वो हमने उसकी जगह फूलों से रेडी किया है और एक चीज और दिखाना चाहती हूँ मैं आपको जैसे ये स्वास्तिक है श्री है जय श्री राम हम लोग क्या करते हैं चाइनीज़ स्टिकर्स ख़रीदते हैं अपने घरों को सजाने के लिए अभी त्यौहार हमारे बहुत सारे गए हैं हम ऐसे स्वास्तिक के स्टिकर ख़रीदते हैं चाइनीज़ जो प्लास्टिक से बना होता है एक तो वह इन्वायरमेंट को हार्म करता है दूसरा जब हम उस उसे निकाल कर फेंकते हैं ना मैम तो वो प्लास्टिक कभी भी कंपोस्ट में कन्वर्ट नहीं होता और हम अपनी स्वास्तिक चीज़ों को कूड़े में फेंकते हैं तो बहुत लोगों का दिल दुखता है हमारा भी दुखता है हमने क्या किया फूलों से स्वास्तिक रेडी किया अब अपने घर की वॉल को इसको डेकोरेट करें एक तो प्लास्टिक बचा दूसरा जब आप इसे निकाल के भी फेंकेंगे तो कूड़े में नहीं डालना पड़ेगा घर के गमले में डालिएगा खाद में बदल जाएंगे ऐसे ही हमने ये जय श्री राम बनाए हैं छोटे से हमने गणेशा बनाए हैं ये देखिए ये भी फूलों से ही रेडी किया गया है ये चरण पादुका माँ की ये भी फूलों से बना है और इवन मैं आपको दिखाती हूँ हमने ये दिए जो बनाए हैं ये भी फूलों से ही बनाए हैं नॉर्मली जो गाय के गोबर से भी दिया बन रहा है वो जल जाता है आग पकड़ लेता है हमारा दिया जलता नहीं है तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमने बनाई हैं वोकल फॉर लोकल के थीम पर प्रधानमंत्री जी ने आ, सब इस दिवाली कहा था लोगों को कि आप वोकल हो जाए लोकल को लेकर और ये इस तरह तरह के से सब चीज़ें जो यहाँ पे मेड इन इंडिया है मैम तो आप तो चाइना के मार्केट को भी टक्कर दे रही हैं क्योंकि इस तरह से स्वास्थ्य एक सारी चीज़ें जो हैं दिवाली की इनफैक्ट सारी हम चाइना के मार्केट का ही इस्तेमाल करते हैं आप मेड इन in इंडिया प्रोडक्ट्स लेकर आ रही हैं भारत में तो मेरा इसी से दूसरा सवाल ये कि आपको फंडिंग में कोई तकलीफ तो नहीं हुई और जो गवर्नमेंट ने स्कीम्स निकाली है लोन उसका कैसे फ़ायदा हुआ आपको आ, मुझे फंडिंग में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई लेकिन बैकग्राउंड मेरा स्ट्रांग था मुझे पैसे मिल सकते थे लेकिन मन में एक सपना था कि अपने पैसों से खुद खड़ा होना है तो मैंने प्रधानमंत्री मुद्रा लोन है और प्रधानमंत्री पी जी पी स्कीम है तो मैंने पी जी पी स्कीम के थ्रू लोन लिया जो दस लाख रुपए का था और मैं खादी इंडिया से जुड़ी मैंने खादी इंडिया से सीखा भी और उसके बाद मैं वहाँ खादी इंडिया में मास्टर ट्रेनर भी बनी वहाँ मुझे पता चला कि हम लोग दस लाख रुपये तक का लोन बहुत ही आसानी से महिलाएँ पच्चीस और पैंतीस की सब्सिडी पर बैंक से ले सकती हैं तो मैंने पी पी लोन लिया जो मुझे दस लाख रुपये का मिला और उसी से मैंने काम शुरू कर दिया और छह महीने ही हुए हैं हमें पीएमईजीपी पी से जुड़े हुए और हमें ये खादी का पवेलियन का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया जिसमें ऑलमोस्ट मेरी कोशिश है कि मैं दो महीने में अपना लोन रीपे कर दूंगी क्या बात है दो महीने में दस लाख का लोन भी ये रीपे कर देंगी कंपनी भी अभी प्रॉफिटेबल है हालांकि छः महीने हुए हैं लेकिन प्रॉफिट में प्रॉफिट कितना रही है मैम हमारा ऑलमोस्ट एक लाख रुपए का सेल तो नॉर्मली हो रहा था और मैं आपको सच बताऊं तो यहाँ भी छः दिन हुए हैं हमें और हम ऑलमोस्ट डेढ़ लाख रुपए की सेल कर चुके हैं और हम थर्टी परसेंट प्रॉफिट पे चल रहे हैं तो ऑलमोस्ट इस मेले में हम ज्यादातर कवरअप कर लेंगे एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूँगी कि कैमरा ये भीड़ दिखाएं जिस तरह से लोग काफी इंटरेस्ट के साथ इस पवेलियन पे आ रहे हैं और देख रहे हैं कि आखिर ये चीज़ क्या है मेड इन इंडिया सूखे फूल से बना अगरबत्ती धूप दिए अपने आप में खास बेहद दिलचस्प और ये भीड़ इस बात की गवाह है कि वोकल फॉर लोकल जो थीम है प्रधानमंत्री जी का वो सक्सेसफुल है और इस तरह से ये काम आगे बढ़ता जा रहा है मैं इनसे भी बातचीत करना चाहूंगी मैम आपका नाम बताए मेरा नाम रेखा झा है रेखा झा अच्छा आप बिहार से हैं जी मैम जब पूनम जी ने बताया कि आपको ये काम करना है आ, तो कैसा लगा आपको और ये आसानी से कर पा रही है कि नहीं मैम मैं बहुत आसानी से कर पा रही हूँ जब मैम हमें ये चीज़ बताई तो हमें बहुत खुशी हुई जो हम घर बैठे ये काम कर सकते हैं तो हम घर बैठे मैम ये काम करते हैं और मैम को देते हैं तो जब आपके पास वो सैलरी आती है तनख्वाह आती है तो कैसा लगता है आपको मैम बहुत खुशी मिलती है बहुत ज़्यादा ही खुशी क्योंकि अपना पैसा होता है बहुत खुशी मिलती है जो आप ये काम कर रहे तो ऐसे कोई दिक्कत है कि नहीं हो पा रहा है बहुत मुश्किल है कि बहुत टाइम टेकिंग है नहीं बैठ पा रहे ऐसा कुछ है दिक्कत? नहीं मैम कुछ नहीं घर का काम करते हुए हम कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं और बहुत ही खुशी से और एनर्जी के साथ करते हैं बहुत अच्छा लगता है मैम ये करने बहुत बहुत शुक्रिया रिया जी रेखा जी हमसे बात करने की तो ये देखिए जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि खाली दिमाग चमत्कार का घर ये पूनम जी ने कहा है और इस तरह से ये फ्लावर से सुखाकर ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है और बहुत बड़ा मैसेज युवा को कि देरी नहीं हो सकती कोई भी काम में और इस तरह से आप मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स बना सकते हैं प्रधानमंत्री जी की पहल को और आगे बढ़ा सकते हैं और इस काम में अग्रसर हो सकते हैं तो ये बिजनेस आइडिया आपको कैसे लगे और अगर आपके पास भी कोई ऐसे आइडियाज़ हैं और अगर आप खादी इंडिया से जुड़ के कुछ ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं तो हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं वीडियो को लाइक और शेयर करें कैमरा पर्सन रंजीत के साथ मैं श्रेया ठाकुर दिल्ली